सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो इस वीडियो में आशुतोष कॉलेज का फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो आशुतोष कॉलेज सिंपली पहले सर्च करना आप लोग को, फिर जो पहला वेबसाइट उस पर जाना है, फिर यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करके ना अंडर ग्रेजुएट डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करते ही ना तुम डायरेक्टली पोर्टल पे आ जाओगे। आ गए, अब यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। सो अप्लाई नाउ पे क्लिक करके सिंपली नीचे आना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ फिर क्लिक करना है। उसके बाद फर्स्ट नेम, अपना नाम का फर्स्ट नेम, ये नाम मिलना चाहिए तुम्हारा किससे, एडमिट कार्ड से, 12th का एडमिट कार्ड से मिलना चाहिए, ठीक है। हर एक चीज़ मिलना चाहिए, ठीक है। मोबाइल नंबर अपना दे देना है, क्योंकि OTP आएगा तो फिर वो भी डालना है ना, तो मोबाइल नंबर दे देना है, ठीक है। और ईमेल भी सही देना, क्योंकि तुम्हारा कुछ भी मान लो फॉरगेट पासवर्ड वगैरह ये सब चीज़ इस पे आता है, OTP इस पे आता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लास 12th का बोर्ड कौन सा था वो सिलेक्ट कर लो, कौन सा ईयर में पास किए हो तुम 12th, वो सिलेक्ट कर लो। रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑब्वियसली तुमको रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर क्लास 12th में एग्जाम में मिलता है, तो वो डाल लेना है यहाँ पे, ठीक है। सबमिट, उसके बाद OTP आएगा, अपने मोबाइल में देख लेना, चेक कर लेना OTP आया होगा, नहीं आया तो यहाँ पे लिखा हुआ ना ईमेल, ईमेल में भी आ गया होगा, ईमेल के इनबॉक्स में चेक कर लेना, ये स्पैम में बोल रहा है। तो जैसे ही OTP डालना है डाल देना, उसके बाद सबमिट एंड लॉग इन, उसके बाद एक और खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नाम तो हो गया था, अब जेंडर पे आते हैं। जेंडर जो है जेंडर सिलेक्ट कर लेना, कैटेगरी कास्ट कास्ट सिलेक्ट करना, और SC ST तभी देना जब तुम्हारे पास वेस्ट बंगाल का सर्टिफिकेट हो, ठीक है। अगर SC करोगे ना तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल अपने आप आ जाएगा, क्योंकि दूसरा पे नॉट एप्लीकेबल है। जनरली करना, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में यस करोगे तो इसका सर्टिफिकेट तुमको अपलोड करना पड़ेगा, ये है तभी, नहीं तो नहीं करो, नो, ठीक है। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो यस, नहीं तो फिर नो। कर दिया, डेट ऑफ बर्थ दबाओ, डेट ऑफ बर्थ वही होना चाहिए जो एडमिट कार्ड में है, ठीक है। ठीक है, स्पोर्ट्स लेवल अगर तुम किसी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल आर पे खेले हुए, कुछ भी खेले हुए तो देना वो चीज़, नहीं तो फिर NA करके आगे बढ़ना। 10th का परसेंटेज मांग रहा है, 10th का जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट करके डालना, ठीक है। गार्जियन का नेम मांग रहा है, गार्जियन का नेम दे देना, फादर हो गार्जियन तो फादर को नाम दे देना, और गार्जियन का मोबाइल नंबर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, कौन सा स्ट्रीम से आए हो, साइंस हो तो साइंस। स्कूल नेम, स्कूल नेम क्लास 12th का स्कूल का नेम दे देना, जो स्कूल में पढ़ के पास हुए हो वो स्कूल का नाम चाहिए। यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड आपके लिए, आप लोग के लिए नहीं, जो फर्स्ट टाइम कॉलेज में एडमिशन ले रहा है उसके लिए नो है, ठीक है, नो करके आगे बढ़ना है। उसके बाद इंग्लिश देखो, इंग्लिश में भी आ रहा है इंग्लिश ए इंग्लिश बी, तुम लोग को पता होगा शायद कि तुम्हारा इंग्लिश ए है कि इंग्लिश बी है कि सिंपल इंग्लिश है। अगर कुछ भी नहीं पता तो टीचर से पूछ सकते हो अपने, या वो भी नहीं बता पा रहे तो सिंपली इंग्लिश में पढ़ के आगे बढ़ना है। फिर दूसरा लैंग्वेज सेलेक्ट है, दूसरा भी लैंग्वेज करना है तुमको, और जो तीन सब्जेक्ट है मेन, तीन सब्जेक्ट वो तुमको करना है। जो आप लोग का सब्जेक्ट है वो करना है, ठीक है। ठीक है, किसी का छह सब्जेक्ट देने का मन है, छह सब्जेक्ट भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आते हैं थ्योरी, फुल मार्क्स लिखना है, फिर मार्क्स ऑब्टेन लिखना है। तो देखो बहुत सारा कॉलेज में क्या, बहुत सारा ये मतलब बोर्ड में क्या होता है ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल का टाइप बाइफर्केशन रिजल्ट में दे देता है कि कितना थ्योरी में मिला कितना प्रैक्टिकल में मिला है। तो वो अगर बाइफर्केशन तुम्हारे पास है तो थ्योरी में 80 लिखना और प्रैक्टिकल में 20 अपने आप आ जाएगा। उसके बाद 80 में कितना मिला वो यहाँ पे लिखना, फॉर सपोज 78 मिला, और 20 में कितना प्रैक्टिकल में मिला तो मान लो 19 मिला तो वो लिखना। अगर तुमको नहीं पता है कुछ भी, भैया हमको कुछ भी नहीं पता, हमको सिर्फ 100 में मार्क्स मिला है, तो 100 यहाँ पे लिख देना, प्रैक्टिकल में अपने आप 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब 100 में कितना मिला वो 100 के लिए लिखना, चलो 100 के हिसाब से ही करते हैं, चलो 90 मिला इसमें, ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है, और ये 100 है, ठीक है। ठीक है, कर दिया, 374 अपने आप टोटल आ जाएगा, बेस्ट ऑफ फोर का लिया है, बेस्ट ऑफ फोर का ही लिया है टोटल।
अब पासवर्ड, पासवर्ड तुम लोगों को पता है, कैपिटल स्मॉल नंबर फिर स्पेशल कैरेक्टर देके पासवर्ड चूज करना है, ठीक है, करके यहाँ पे टिक कर देना, टिक करके सेवन कंटिन्यू। अच्छा यहाँ पे छूट गए, अच्छा सिक्स सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करना, अगर सिक्स सब्जेक्ट तुम्हारा नहीं है ना तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख के फिर आगे बढ़ना, ठीक है, और सेवन कंटिन्यू। अच्छा बायोलॉजी में प्रैक्टिकल का अलग से दिया है, तो बेसिकली इसका बायोलॉजी होगा उसका प्रैक्टिकल तो होगा ही। सो जैसे आप लोग सेव करोगे, ठीक है ना, जैसे आप सेव करोगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा जहाँ पे आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में देख लो, फोटो सिग्नेचर है, एज प्रूफ में 10th का एडमिट कार्ड मांग रहा है, 12th का मार्कशीट मांग रहा है। एज प्रूफ में अगर 10th का एडमिट कार्ड, बहुत जन बोल रहे थे कि 10th का एग्जाम ही नहीं हुआ, एडमिट कार्ड नहीं है, तो उसका रिजल्ट में अगर रिजल्ट या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में कहीं भी डेट ऑफ बर्थ लिखा है तो वो डाल देना, ठीक है। ये करने के बाद फॉर एग्जाम्पल अगर फोटो सिलेक्ट करना है तो हम एक फोटो देखिए, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर लेना आप लोग को, तभी फोटो आएगा। एडमिट कार्ड, एज प्रूफ में हम तो कोई कोई भी चीज दे रहे क्योंकि हमको प्रोसीड करना है। सो फाइनली सब कुछ हो गया, उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। सारा चीज करने के बाद अब आता है कोर्स सिलेक्ट करने का, 3 इयर्स का बीए करना है, बीएससी करना है, या 4 इयर्स वाला करना है, विथ रिसर्च ये सब वाला। तो 3 इयर्स करना है तो 3 इयर्स में फॉर एग्जाम्पल बीएससी इन साइंस करना है तो क्लिक कर लो, उसके बाद कौन सा मतलब सब्जेक्ट में करना है, केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री क्लिक कर लो, उसके बाद आपको मैथ्स ही मिलता है, वो तो कोई ऑप्शन नहीं है। कोर कोर्स एक सेलेक्ट करना है, उसके बाद सब्सिडियरी जो कोर्स मिलेगा वही, जो जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होगा वही लेना पड़ेगा। ये ACC2 क्या है कि तुम्हारा ड्यूरिंग टू योर अंडर ग्रेजुएट कोर्स तुम्हारा एक एग्जाम होता है, तुम लोग का एग्जाम होगा, वो एग्जाम कौन सा सब्जेक्ट का देना है तुमको, इंग्लिश का देना है, बंगाली का, या तुम्हारे हिंदी पे, हिंदी का चॉइस रहेगा। अभी तुम इंग्लिश सेलेक्ट कर लो, अगर तुमको इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम होगा बेसिकली ग्रामर ये सब, फिर भी तुमको लगता है कि अभी तुम कर दिए बाद में तुमको चेंज कराना है, तो जब एग्जाम होगा फिर से तुम्हारे पास कन्फर्मेशन आएगा तुम कौन सा लेना चाह रहे हो, ठीक है, वो करके एड टू माई एप्लीकेशन कर दो। अच्छा यू आर नॉट एलिजिबल टू सेलेक्ट मैथमेटिक्स फिजिक्स सब्जेक्ट, ओके, तो बोटैनिक कर लेते हैं क्योंकि मेरा कोई कॉम्बिनेशन में गड़बड़ है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ऐड हो गया, तो यहाँ पे ऐड आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा तब तक नहीं होगा, ठीक है ना। मान लो कि तुमको एक और भरना है, और भी कोई कोर्स मतलब फिर से बीएससी में किसी और में करना है, फिर 3 इयर्स करना, फिर यहाँ पे कुछ और सेलेक्ट करना जिसमें देना तुमको फॉर सम बोटानी भी करना है, केमिस्ट्री, फिर करके दिन ऐड करना, एक और आ जाएगा यहाँ पे, जितना भी भरना है भर देना, ठीक है, हम एक ही में करके दिखा रहे हैं। उसके बाद कंफर्म कर देना, कंफर्म करने के बाद पूरा तुम्हारा एडमिशन हो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है, और यहाँ पे प्रिंट या डाउनलोड PDF करके आप लोग देख सकते हो कि आप लोग का ये चीज हो चुका है ओके, ठीक है, देख लो यही चीज है। तो क्लियर, कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट से कांटेक्ट कर सकते हो, जैसे भी हुआ तो कुछ भी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड लोग के साथ, सब यही फॉर्म फिलअप देख के आप लोग भर लेना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम तो है ही, कमेंट में बस बता देना। सो थैंक यू सो मच।